देखिए, मेरा ये मानना है कि जब अभी जांच सेशन जी एसओजी जांच कर रही है और जो सरकार का मकसद है, जो ये गैंग काम कर रहे हैं, चाहे वो नकल कराने वाले ग्रोह हैं, पेपर लीक करने वाले ग्रोह हैं, उनकी तह तक पहुंचना चाहिए। और सरकार की स्पष्ट रूप से मंशा है किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, चाहे वो सुभाष हो चाहे कोई भी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जब हमारे राजनीतिक विरोधी जिस तरह की बात कर रहे हैं और मेरा नाम उछाला गया है बिना तथ्यों के, बिना इस आधार पर कि भाई आपके साथी रहे हैं। मैं शिक्षक संगठन में काम करता रहा हूँ, बरसों पब्लिक जीवन रहा है, मेरा सार्वजनिक जीवन रहा है, लोग जुड़ते हैं करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आज मैं कोई मेरा कोई मित्र कोई गलती कर दे या मेरा कोई साथी गलती कर दे तो उसके लिए जिम्मेदार मैं हूँ। कानून अपनी कार्रवाई करेगा, कानून से ऊपर कोई नहीं है। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने देखा होगा गैंगबार होते हैं, गैंगबार में क्या है, गैंग एक दूसरे की वर्चस्व की लड़ाई लड़ते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि एसओजी से एसओजी को इस बात की तय में जाना चाहिए, कहीं ये जो पेपर लीक कराने वाले और नकल का जो ग्रोह है इनमें आपस में गैंगवार है, तो इस तय तक भी जाना चाहिए। और जिन लोगों ने इस तथ्य तक जो जारी है एसओजी बिल्कुल सही दिशा में काम कर रही है, खुद कटारिया जी ने इस बात को सराहा है, तो मैं तो कहना चाहूंगा कि राजनीतिक नेताओं को, विरोधियों को या जो भी बीजेपी के हमारे साथी हैं उनको इंतजार तो करें। तो कहीं ना कहीं कोई माइलेज देने का कोई प्लान तो नहीं किसी को? मैं देखिए, अब कुछ हमारे राजनीतिक मित्र भी हो सकते हैं, राजनीतिक विरोधी भी हो सकते हैं और इस तरह का एक प्रयास कर रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा मेरा अखबार में अपना सब मंत्री पद से बर्खास्त किया जाएगा, हटाया जाएगा। पहले भी चला था जब मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा था, तो पहली बार एमएलए बना, पहली बार मंत्री बन गया। तो कुछ लोग जो मेरे से जलस रखते हैं, राजनीतिक जलस रखते हैं और वो इसमें सक्रिय होकर के और काम कर रहे हैं। एक आज मैं पढ़ रहा था कि साहब इस विचारधारा के लोग पहले भी, आप जिस सरकार जिसकी भी रही है, बीजेपी की सरकार रही थी तो क्या बोर्ड के अध्यक्ष वो नहीं बने थे? क्या भरत राम कुमार और विमल प्रसाद अग्रवाल जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे, वाइस चांसलर्स बने थे? तो एक सामान्य प्रक्रिया है, कमेटी होती है, वो सर्च करती है, सिलेक्शन करती है, उसके आधार पर वो होता है। और फिर कोई भी गलती करे, चाहे वो सुभाष गर्ग हो चाहे कोई हो, मैं कह सकता हूं कि कानून अपना काम करेगा, कानून से ऊपर कोई नहीं है। लेकिन मैं ये कहना भी चाहूंगा राजनीतिक विरोधियों से कि एजेंसीज को स्वतंत्र रूप से काम करने दें, उनके ऊपर अनावश्यक दबाव ना डालें, एक माहौल ऐसा पैदा नहीं करें कि जो ट्रायल करके मीडिया के माध्यम से इस तरह का एक माहौल बनाया जा रहा है, है? मैं तो ये कहता हूं कि पूरी जांच होनी चाहिए, जिसने भी सूत्र दिया, जैसे माननीय करोड़ी मीणा जी ने कहा कि मैंने 2 महीने पहले बता दिया था, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि कहां से वो संपर्क सूत्र, उनके तार कहां तक जुड़े हुए हैं, जिससे कि जो गैंग है, मुझे ये भी जानकारी मिली है कि जो बिश्नोई और इस तरह के गैंग हैं वो सक्रिय हैं, तो उनके भी संबंधों का एसओजी को खुलासा करना चाहिए कि अल्टीमेटली ये जो रामकृपाल मीणा, इसके सूत्र, इसको किस तरह से किया गया प्लान या कहां से क्या हुआ। टोड़ी मीणा जी कह रहे हैं कि मेरे पास सारी चीज जानकारी है, तो इसका मतलब जो गैंग की आपस की लड़ाई है वर्चस्व जो करके, और ये चाहते होंगे जैसे कि एक गैंग बार चाहता है कि इसको खत्म कर दिया जाए जो मेरा वर्चस्व है, लेकिन हमारी सरकार की स्पष्ट मंशा है कि इस तरह की व्यवस्था पुख्ता कर दी जाए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, जो हमारे युवा बेरोजगार है उनके साथ अन्याय ना हो, और एसओजी जो काम कर रही है वो उस तह तक पहुंच रही है कि कौन व्यक्ति लाभार्थी हुआ, किस व्यक्ति ने लीक में भूमिका निभाई, तो उसको आने दो रिपोर्ट को। रिपोर्ट आए ना, किसी की छवि को धूमिल करना, किसी की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाना, अगर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब बात करते हैं ये कि भाई आप एजेंसी जब काम कर रही है तो आप विचार तो करिए ना, तो उस तक भी जाना चाहिए कि इन गैंग से, गैंग के जो भी लोग हैं, जो भी संपर्क सूत्र है, जिनको गिरफ्तार भी किया है एसओजी ने, जो नकल या पेपर लीक के मामले में कहीं भी लिप्त हैं, उनके संपर्क सूत्र उन गैंग लीडर्स के, उनके किस किस राजनीतिक नेताओं से हैं, ये भी एसओजी को जांच में आना चाहिए, जिससे ये मालूम पड़ सके कि भाई अल्टीमेटली इसके पीछे है कौन। और हमारे मुख्यमंत्री जी की बिल्कुल स्पष्ट मंशा है, बार बार उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हम इस गिरोह को, नकल को, पेपर लीक वाले सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं। कानून भी सरकार ला रही है, न्यायिक जांच भी बैठा दी गई है, एसओजी काम कर रही है। अभी बात करते हैं कि सर अब सीबीआई से जांच कराई जाए, तो भाई क्यों आपकी केंद्र में सरकार है, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स तो वैसे भी दुरुपयोग करते रहे, आप ये चाहते हैं कि हमारी वहां केंद्र में सरकार है तो राजनीतिक दबाव बना करके सरकार की छवि को धूमिल करना चाहते हैं? एसओजी विश्वास नहीं है, और ये हमेशा रहा है, जब जिस राजनीतिक दल की सरकार के प्रदेश में नहीं होती है और देश में होती है तो इस तरह के आरोप हमेशा लगाए जाते हैं, जिससे कि उन एजेंसीज का दुरुपयोग करके राजनीतिक दबाव बनकर और सरकार जो एक लोकप्रियता के साथ काम कर रही है उसकी छवि को खराब करने का।
पहले डोटासा जी का नाम घसीटा गया, अब आप पर अगर एसओ जी करती है तो एक मिनट में जो है सुभाष गर्ग उन लोगों में से है जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए काम नहीं करता, एक संस्था के साथ काम किया, संबंध होते हैं। आज आपके संबंध किसी के साथ है, मीडिया मान लो ऑर्गेनाइजेशन को एक व्यक्ति की गलती की वजह से पूरा मीडिया ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी जवाबदेह हो जाएगा या वो उसको आरोपी मान लिया जाएगा। पहले आरोप आने, जांच रिपोर्ट तो आने दो। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।